मुरादाबाद शहर के कटघट थाना क्षेत्र गोविंद नगर रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज भी रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक की जान चली गई। गोविंद नगर रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों को रोकने के लिए क्षेत्रवासियों की काफी लंबित मांग के बाद फ्लाईओवर का निर्माण तो करा दिया गया, मगर क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि वहां पर ट्रांसफार्मर विद्युत पोल के कारण रेलवे दीवार नहीं बना पा रहा, जिस कारण लोग रेलवे ट्रैक से निकलते हैं और इस कारण अभी भी यहां हादसे नहीं थम रहे। जब तक बिजली विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल को नहीं हटाया जाएगा, तब तक गोविंद नगर रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे नहीं रुक सकते। हालांकि क्षेत्र के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार बिजली विभाग से शिकायत भी की है, मगर बिजली विभाग इस ओर कोई संज्ञान नहीं ले रहा और क्षेत्र में लगातार हादसों का दौर जारी है। क्षेत्र के लोगों ने इस हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि कटघट थाना क्षेत्र गोविंद नगर में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन करने के बाद युवक की पहचान कराने का काफी प्रयास किया, मगर युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। रेलवे पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे की सूचना लगते ही कटघट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि रेलवे और नगर निगम ने अपना कार्य तो पूरा कर दिया और फ्लाईओवर का निर्माण कराकर क्षेत्रवासियों को काफी राहत दी है, मगर वहां पर ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल होने के कारण लोग फ्लाईओवर का इस्तेमाल ना करके रेलवे ट्रैक पार करते हैं। यदि ये ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल हट जाए तो रेलवे दीवार बना देगा और ऐसे में यहां पर हादसे घटित होने बंद हो जाएंगे, मगर बिजली विभाग इस ओर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, जिसके चलते यहां पर हादसे लगातार घटित हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने इस हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। बंसल, कितनी उम्र है? 24 साल। शादी हो गई थी? नहीं। अच्छा, कोई काम करते थे? फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री में? फैक्ट्री मामले पत्र नया लगा था उसमें। अच्छा, तो सुबह क्या बजे निकले थे? सुबह 9:20 पे निकला था घर से। क्या 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 निकले थे? फैक्ट्री जा रहे हूँ। अच्छा, फिर आपको सूचना कैसे मिली? 12 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि हंसी का चोट लग गई, तब मुझे पता चली। अच्छा, कितने बहन भाई हैं ये? 4। तीन बहन एक भाई। क्या नाम है बहनों का? रस्तिल व्यस्त होगी। चारों बंसल, दिव्य बंसल। शादी कितने बच्चों की कर दी है? एक ही कर दिया। एक बेटी भी रस्तों की। तो मकान में रहती हम। यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं। किराए पर रहते हैं। तो पुलिस ने वहाँ पहुँची थी? पुलिस ने बताया था आपको, किसी और ने बताया था? पुलिस ने बताया, मेरे दोस्त का फोन आया मेरे पास। ये हादसा जो है यहाँ पर जो है बिजली विभाग की लापरवाही जो है से हुआ। ये दीवार खींचनी थी जो रेलवे ने अपना काम पूरा कर दिया है, और ये एक खम्भा और अंदर ट्रांसफार्मर हटना है जो अभी तक नहीं हट पाया है, और नगर निगम का भी काम लगभग पूरा हो चुका है, बस बिजली विभाग अपने खम्भे और ये आपका ट्रांसफार्मर नहीं हटा रही है, तो इसकी वजह से ये दीवार रह गई है जो यहाँ से आवाजाही हो रही है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अच्छा, पता चल पाया ये कौन है, कहाँ का है? ये लग रहा है तो गली नंबर 2 का लड़का लग रहा है। तो ये करोड़ों की लागत से पुल बनाए और नगर निगम ने भी काफ़ी पैसा खर्च किया है, उसके बाद भी बिजली विभाग सुन के नहीं दे रहा। बिजली विभाग कई बार कहला चुके हैं, विधायक जी के पास भी जा चुके हैं, मगर आते हैं और चले जाते हैं। जो गली के सामने एक खंभा आ रहा है वो नहीं हटा, और एक ट्रांसफार्मर बार बार कहने के बाद भी ये कार्यक्रम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, दीवार पूरी नहीं हो पाई, दीवार बंद हो जाएगी तो हादसा बंद हो। अब आप क्या चाहते हैं? ये बिजली विभाग अपना कार्य पूरा करे, रेलवे अपनी दीवार खींच दी, हादसे होने बंद हो जाएंगे।